अमरीकी शहर डेलिस में टेक्सस किंग ने जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत महफिल मिलाद का इनेकाद किया। महफिल मिलाद पाकिस्तान से आए हुए मारूफ नौत खां मोहम्मद अली सहरवर्दी ने समा बांध दिया, जबकि अलामा मुख्तार शाह ने सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली। महफिल मिलाद का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक्दस में पाकिस्तान से आए मारूफ नात ख्वां मोहम्मद अली सोहरवर्दी के अलावा इम्तियाज़ जान जमान ब्रादर्स सैयद हाशमी मुस्तफ़ा कमाल ने गुलहाए अकीदत पेश किए। सैयद अलामा मुख्तार शाह अशरफी ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत और मिलाद मनाने वालों पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान की अवलीन शर्त है, जिसकी तकमील जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर मुमकिन नहीं। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मादा परस्ती के इस दौर में मुसलमानों के दिलों में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रोग देने का इंतहाई मौसर तीर बहदफ नुस्खा है, जिसकी आज उम्मत मुस्लिमा को जरूरत है। जिस दिन 12 रबीउल नूर हो सबसे ज्यादा खैरात करता है। अब बताओ बताओ उस वक्त तो ये नहीं आया था, ये 1923 वाले अभी नहीं पैदा हुए थे। तुम कहते हो जी फिरका बनाई था, फिरका बनाई थी इन ज़ालिमों ने फैलाई है, पिछले 70 साल बेड़ा गर्क किया पूरी दुनिया का और अब ये अपना कर रहे हैं। महफिल के आखिर में तमाम शुरका ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक्दस में दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया। इख्तिताम पर महफिल मिलाद के मेज़बान टेक्सस किंग फैमिली ने तमाम हाजरीन का शुक्रिया अदा किया।